इसमें बड़ा नाम देखना है रिप्टिलिया वर्ग क्या है और रिप्टिलिया वर्ग को क्या कहते हैं, रिप्टिलिया वर्ग की विशेषता क्या होती है। तो सीधा भाषा में रिप्टिलिया वर्ग उसको कहा जाता है जो यानी रेंगने का काम करते हैं, रेंग कर चलते हैं। तो जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो किस में आते हैं, रिप्टिलिया वर्ग में। सीधा भाषा में याद रखिएगा कि जो रेंगने जिस सांप को देखते हैं रेंगता है, छिपके लिए ये भी रेंगती है। तो ये जितने वर्ग के जो जीव होते हैं ना ये सब क्या होते हैं, यानी रेंगने वाले। तो जो जो जीव रेंगने वाला होता है उसको रिप्टिलिया वर्ग में लिया जाता है। अब इसकी विशेषता देखेंगे कि भाई पहचान कैसे कर सकते हैं। तो पहचान करने के लिए हमें इसकी कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को देखेंगे तो जिससे यह पता चल सकता है कि किस प्रकार से जो है इसको देखा जा सकता है, कौन रेंगने वाला है, कौन समतापी है और कौन असमतापी है। यानी इसमें कैसे पहचाना जा सकता है, बॉडी इसका कैसा होता है, पैर किसके होते हैं, ये सारे चीज़ों फीचर को देख के हम बता सकते हैं कि यह रेंगने वाला है कि नहीं, किस वर्ग में आता है, रिप्टिलिया का कंडीशन फिलअप करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि रेंगने वाले जो होते हैं ना ये अधिकांशतः जो स्थलीय होते हैं, लगभग यानी स्थलीय है तो अपवाद कभी कभी क्या होते हैं जल स्तर में चले जाते हैं। तो पहला याद रखिएगा कि ये जीव जो होते हैं अस्थलीय होते हैं। अस्थलीय कहने का मतलब होता है कि जल यानी ये जो है यानी अस्थल पर आते हैं, यानी भूमि पर अधिकांश कहाँ आते हैं, भूमि पर आते हैं। तो पहला विशेषता की क्या होते हैं, अस्थलीय होते हैं। दूसरा होता है कि इनका कंकाल जो होता है ना, इनका कंकाल जो होता है, ये कंकाल जो होता है आपको बना रहता है अंतर कंकाल से। जैसे हम लोग का शरीर बाहर हड्डी नहीं दिख रहा, बाहर हड्डी नहीं दिख रहा, तो अंतर कंकाल का मतलब कि बाहरी चीज नहीं दिखाई दे, बाहरी हम लोग का हड्डी नहीं दिखाता, क्योंकि माँ हड्डी के ऊपर क्या है, मांस है उसका है और ये उसको ढांप कर रहती है। अब जैसे मान लीजिए हटा दे तो पूरा स्केलेटन हो गया, कंकाल हो गया, कंकाल। तो यह जो होता है यानी इसका आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ऐसे भी आप याद रखते हैं आंतरिक कंकाल किस किस में पाया जाता है, तो बहुत ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मनुष्य होता है हम लोगों में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, गाय भैंस होती है इसमें भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है, ठीक है, बकरा बकरी हुआ इसमें भी आपको आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। मतलब आंतरिक कंकाल होने का मतलब हुआ कि शरीर के अंदर, ठीक है, बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते, उसको क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल कहेंगे। इसमें भी जो जो जीव पाए जाते हैं उसमें आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। जैसे सांप का हड्डी क्या बाहर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, छिपकली क्या बाहर दिखाई देती है, नहीं दिखाती। तो ये सारे चीज जो होंगे यानी अंतर कंकाल होगा, हम लोग भी किसमें आएंगे, अंतर कंकाल। लेकिन हम लोग रेंगते नहीं है, चलते हैं, ठीक है। तो ये अंतः कंकाल। दूसरा हो जाता है कि इसमें जो होता है हृदय तीन कोष्ठक पाए जाते हैं, इसका हृदय जो होता है तीन कोष्ठक पाया जाता है, दायां लिंग, बायां लिंग और एक लिंग, बस यही जो होता है आपको हृदय पाया जाता है। तो हृदय पूछेगा इसका कितने कोष्ठक में होता है, कितने भेस में होता है, तो तीन भेस में पाया जाता है। अपवाद में याद रखिएगा मगरमच्छ जो होता है, ये मगरमच्छ में जो होता है इसमें जो आपको पाए जाते हैं इसमें चार भेस में पाए जाते हैं। अपवाद यहाँ पर रखिएगा मगरमच्छ को कि इसमें चार भेस में पाए जाते हैं, बाकी जो होता है तीन कोष्ठक वाले इनका हृदय होता है। तो पहला फीचर स्थलीय होते, दूसरा अंतर कंकाल से बने होते, तीसरा जो होता है इसमें जो होता है हृदय तीन पाए, हृदय का कोष्ठक जो होता है तीन पाया जाता है, और अपवाद में मगरमच्छ का कितना पाया जाता है, चार पाया जाता है। तीसरा चौथा होगा इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक ही में मेल फीमेल नहीं होता। जैसे केचुआ को देखिएगा एक तरफ मेल एक तरफ क्या है फीमेल, तो इसमें मेल और फीमेल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी हो गया एक फीचर कि इसमें मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग होते हैं। चौथा बात है निषेचन की क्रिया जो होती है इसमें आंतरिक होती है, ठीक है, निषेचन की क्रिया क्या होती है, आंतरिक होती है, यानी इनमें जननांग पाए जाते हैं, स्पर्म को डोनेट किया जाता है अंदर तक। तो यह जो होता है निषेचन की क्रिया, इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या होंगे, आंतरिक होंगे, पूर्ण रूप से आंतरिक होंगे। इसमें पैर कितने होंगे, अधिकांश कुछ में पैर तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है क्या होते हैं पैर पाए जाता है। तो अधिकांश दो जोड़ी पाद होते हैं, यानी दो जोड़ी पैर आपको इसमें देखा जा सकता है। तो जो जोड़ी जो होगा ये क्या होगा, आपको पैर होगा। चौथा है
यह अंडजनक होते हैं। अंडजनक मतलब अपने बच्चे को जो नए शिशु को जन्म देते हैं या नए शिशु को उत्पन्न करते हैं, तो वह शिशु को उत्पन्न करने का तरीका इनके पास अंडजनन है, ना कि यह जो होता है शिशु को जन्म देते हैं। तो जन्म यानी पैदा नहीं करते, ये अंडा देते हैं और अंडा से ही नए शिशु को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, अंडजनक होते हैं। और इनका भी ब्लड होता है असंतापी। असंतापी कहने का मतलब ये भी थोड़ा कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं, वातावरण के अनुसार इनका ब्लड जो होता है बदल जाता है। जैसे सांप उठा है, गर्मी में तो अस्थप हो रहा था, ठीक है, गर्मी में पानी में रहा था ठीक है, लेकिन ठंडी में भी पानी में आराम से रह सकता है। इसीलिए ये असंतापी ब्लड जो होता है कोल्ड ब्लडेड होता है, वार्म ब्लडेड नहीं होता, यानी कोल्ड होगा ये बदल जाएगा, समझ में आया, ये क्या होगा बदल जाएगा। दूसरा होगा त्वचा इनका शुष्क होता है। त्वचा कहने का मतलब है कि त्वचा जो इस ऊपर का है स्किन जो होता है ये खराब हो, शुष्क टाइप का होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी त्वचा को निकाल देते हैं, जैसे सांप में कहा जाए केचू छोड़ना, तो केचू छोड़ना क्या कहलाता है, यानी शुष्क त्वचा का कारण होता है, वो अपने क्या करते हैं निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसकी विशेषता है, रिप्टिलिया वर्ग की विशेषता क्या। तो डायरेक्ट कहिएगा कि अधिकांश स्थलीय होते हैं, यह जो होता है इनका अस्थि जो होता है अंत कंकाल से बना होता है, इसमें तीन कोष्ठक होते हैं। निषेचन की क्रिया कैसी होती है, तो आंतरिक होती है, ठीक है। त्वचा कैसा होता है, तो शुष्क होता है। मेल फीमेल क्या अलग अलग पाए जाते हैं, एंसर करना ही, मेल फीमेल जो सॉरी मेल फीमेल जो होता है अलग अलग पाए जाते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल क्या होता है अलग होता है। इसमें दो जोड़ी पाल होते हैं, दो जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। और यह तो सबसे विशेषता यह है कि यह अंडजनक होते हैं, अंडे कुछ अंडे देते हैं और अंडे से ही नए शिशु क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार ये जो हम देख सकते हैं रिप्टिलिया वर्ग, और रिप्टिलिया वर्ग की विशेषता क्या आसानी से पहचाना जा सकता है। अब इसमें कोई पूछेगा कि जैसे में क्या होगा, ये इसमें जैसे में हो जाएगी छिपकली, जैसे में हो जाएगा मगरमच्छ, जैसे में हो जाएगा सांप, ठीक है। ये सारे चीज जो आएंगे आपको किसमें आएंगे, आ जाएंगे इसी में आ जाएगा कछुआ। तो ये सब जो होते हैं ये आपको आ जाते हैं किसमें, अंतर यानी रिप्टिलिया वर्ग में रेंगने वाला।